मिनट के लिए आए ना, तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? जितनी स्थापना होगी उतना ही विनाश होगा। मैंने पूरी स्थापना कब होगी? पूरी स्थापना कब होगी? तो आबादी कितनी होगी? पॉपुलेशन कितनी होगी? नौ लाख 16,108। हाँ, जब पूरी स्थापना हुई तभी कहेंगे ना। हाँ, पूरी प्रजा तैयार हो जाए। हाँ, तो फिर विनाश कब होगा? मैंने 2036। समझने की बात है। कैसे? जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है तब तक पूरा विनाश भी नहीं हो सकता। अगर 21 जन्म का जोड़ी तो संगम युग में ही बनाई जाती है उस शर्त के आधार पर, 21 जन्मों का जोड़ी, पर 63 जन्मों की जोड़ी किस आधार पर बनाई जाती है? 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म की जोड़ी स्वतः ही बन जाती है। जोड़ी तो अलग अलग है, 63 जन्मों में जोड़ी जोड़ी होती है, चार जन्म में थोड़ी थोड़ी होती रहती है। जन्म में एक ही जोड़े होते, एक ही जन्म में एक ही जोड़ी होती है, पर पुरुषार्थ के उसी पुरुषार्थ के आधार पर होना है तो उसी जोड़े को ही खंडे में होना है। नहीं, उसी जोड़ी को कंटिन्यू कैसे करेंगे जबकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है? सत्य त्रेता में द्वैतवाद थोड़ा ही होता है। नहीं, हाँ, तो दूसरी जो दूसरे द्वैत जब आएगा तो दूसरी जोड़ी भी आ जाती है, वहीं से तो फिर विचार शुरू होता है। तो उसका शूटिंग भी यहाँ होगी? यहाँ शूटिंग नहीं होती है, द्वितीय और अद्वितीय का शूटिंग कहाँ की है? बाबा रामकृष्ण आत्मा है, युगल नहीं बनते है क्या? क्यों नहीं बनते? युगल क्यों नहीं बन सकते? बाप बेटे ही बनते हैं। सत्य के आदि में और सत्य के अंत में, त्रेता के आदि में, त्रेता के अंत में, वो तो माँ बाप बनते हैं, वो उनका बाप, वो उनका बाप, ये बदलते रहते हैं, बाकी बीच के जन्म युगल नहीं बनते। बीच के जन्म नहीं बनते? हमको मालूम नहीं। अभी कृष्ण की आत्मा में पढ़ाई तो पढ़ रही है ना? हाँ बाबा, तो पढ़ाई में तो ये पढ़ाया जाता है, एक बाप दूसरा कोई, तब दूसरा है ही नहीं जो संबंध है सब किसके साथ? एक के साथ। कृष्ण की आत्मा भी ये पढ़ाई पढ़ रही है, भले शरीर नहीं है अपना, लेकिन प्रवेश करके पढ़ाई तो पढ़ रही है। आज का मुरली में और ये बात आया, साक्षात्कार होता है और आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, ये ज्ञानी लोगों का या भक्त लोगों का? भक्त लोगों को, बंधाओं का साक्षात्कार होता है, ज्ञानी होते हैं उन्हें बुद्धि का साक्षात्कार होता है। क्या साक्षात्कार होता है? आत्मा का साक्षात्कार माना, कॉन्सेंट्रेशन ऐसा हो जाता है कि देखने में आती है ये ज्यादा पावरफुल आत्मा है, ये उतनी पावरफुल नहीं है। दूसरों का आत्मा को देखने, चेहरे को देखने से नहीं समझ जाना। ज्ञान भी करना, ध्यान में जाते हैं, साक्षात्कार में चले जाते हैं, जैसे ये कि आदि में सात आठ सात सात दिन महीने नहीं है, दो दो महीने संस्कृत का पाठ बजाते रहते थे साक्षात्कार। ज्ञान का साक्षात्कार अलग, ज्ञान बुद्धि की थी। बाबा, याद से पाप खटता है, कट जाती है, पर हमारा हिसाब किताब कर्म के आधार पर दूसरों के साथ होते हैं, और वो हिसाब किताब कैसे छुप्त होता है बाबा?
मान लीजिए हमारा हिसाब किताब इसके साथ है कर्म के आधार पर, और याद करने से हमारा पाप कर्म कट हो जाता है। किसको याद करने से? बाप को याद करने से। बाप को पाप होता है क्या? नहीं, जो बाप हमको कह रहा है कि मुझे याद करो, किसी की तरह में भी आकर के कह रहा है मुझे याद करो, तो जो पाप कह रहा है उसको कोई पाप होता है क्या? नहीं होता है। तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। पर इसके साथ तो जो हिसाब किताब था कर्म के आधार पर वो क्या होगा? वो पूरा रील में घूमता जाता है, पूरा होता जाता है। कर्म का हमारा तो पाप तो कट हो गया, जरा याद करेंगे उतना कट होगा, और जो बाकी रह जाता है वो सजा है, सजा खानी पड़ती है, देह भाग खराब हो जाएगा तो पूरा याद। सजा तो देह के द्वारा मिलेगी ना। हाँ। जो पाप किया है वो देह के द्वारा किया है या बिना देह के किया है? देह के द्वारा। देह के द्वारा पाप किया है तो देह के द्वारा ही भोगना पड़ेगा, तो पूरा कट भी हो सकता है सजा खा के। बिना सजा के आपका होता है ना, जो पहले पहले नष्ट मोह बन जाते हैं उनका हो जाता है। देह के संबंधों, देह के पदार्थों से पहले मोह नष्ट नहीं होता है जिनका, और देह की सजा खानी पड़ती है। और वो सभी आने जाने वाले होते हैं, कोई एक तो भी उससे छूट मिलता है बाबा? आने जाने वाले में वो नई संगठन में आने जाने वाले होते हैं ना, अच्छा देव। हाँ, किसी को उस आने जाने से वो आने जाने से छूट मिलता है? आठ में तो सभी होंगे आने जाने वाले, सभी आने जाने वाले होते हैं। संगठन कोई एक का थोड़ी होता है, दुनिया बनती है कोई एक से बन जाती है क्या? नहीं, कि एक बैठा हुआ हो उसके लिए कहा जाएगी नहीं दुनिया? भगवान कृष्ण को जोधपुर में पलते हुए दिखाते हैं शास्त्रों में, वो यहाँ कैसे लागू होता है? वापस में शूटिंग यहाँ नहीं होती संगम युग में कृष्ण की आत्मा दादा लिंगराज ब्रह्मा सौपाल उम्र नहीं पूरी करता है मृत्युलोक में? बाबा मृत्युलोक में उम्र पूरी करेगा, मृत्युलोक में उम्र पूरी करेगा तो अमर लोक में ही जाके जन्म लेगा ना, कब पूरी हुई? 88 में पूरी हुई ना, 9 साल उम्र पूरी हुई तो वो आत्मा अमर लोक में आ जाती है द्वापर में, द्वापर की शूटिंग में। उसी द्वापर की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्षता होती है, इसलिए शास्त्र में कह दिया है कि कृष्ण कब आया? द्वापर में आया, द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया, लड़ाई शुरू कब हुई? द्वापर के अंत में। और देह में देव की और वासुदेव का जन्म दर्शन है, उनका जन्म उसका जन्म दर्शन है, बाद में यशोदा और नंद के द्वारा फलता है, ये चारों देह में कौन है? देह का जन्म देने वाला, देह पालन करने वाली, शारीरिक पालन करने वाले, शारीरिक पालन। जैसे मान लो ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया कब से शुरू होती है? 76 से, तो 76 से कृष्ण की आत्मा भी रोल करती है, तो राम की भी आत्मा रोल करती है, उसमें संगम भी कृष्ण कौन है? राम की आत्मा। जो संगम भी कृष्ण है उसकी पालना करता है कौन? तो बैगन के रूप में होता है, बैगन को पालने वाला कौन? परमात्मा।
विदेशी जो विदेशी है वो जो बैगर को भीख देते हैं भारत बैगर के रूप में कांटों की जगह पर पड़ा हुआ है वो जो बैगर के प्रिंस बनने वाला है जो भीख देने वाले हैं वो ही उसके भरण पोषण करने वाले हुए विश्व भरण पोषण करते हुए क्या परिणाम भरत हुई तो वो नंद और ईश्वर बने नहीं वो पालना करने वाले थोड़े ही होते जन्म दिया उन्होंने नहीं ना तो जेल में जन्म दिया फिर जेल में घुस जाते हैं कौन नहीं बसुदेव और देवकी जेल में ही जन्म लिया जन्म देकर के वो तो स्वतंत्र हो जाता है बाहर चला जाता है कंस की जेल से बाहर चला गया और माँ बाप जेल की जेल में ही रह गए वो अभी भी जेल में है वो अभी भी विकारों की जेल में ज्ञान की गहराई को पूरा पकड़ नहीं पाते बाबा प्रजास्ताव अब बात करेंगे दूसरे राज्य भाषा और लास्ट में प्रजापति ऊपर जो अगर मैं पुस्तक के पास बात करेंगे नहीं माता का तेल आता है परमाणु को गंगन माता का तेल कृष्ण बच्चा कृष्ण की सोल बुद्धि में प्रवेश है कृष्ण बच्चा की सोल माना ब्रह्मा बाबा की सोल बुद्धि में प्रवेश है तो प्रैक्टिकल में बात करने की बात नहीं है ही नहीं और जब बुद्धि से हट करके पेट में प्रवेश हो करके और जन्म ले ले तो बात कहने के तो बात होगी या नहीं होगी बाबा ये कहते हैं जब सजा पिता परम धाम को जाकर वापस फिर आता है दूसरे लोगों से बात करता है या नहीं सोनी बात कर उन्हीं लोगों से बात करता है जो जाकर आते हैं या दूसरों से भी जाकर आते हैं उनसे भी बात करता है और जो जन्म लेते हैं उनसे भी बात करता है जो बाकी बच जाते हैं ना बाबा साढ़े चार लाख है उनसे भी बात करते हैं उनसे भी खेलना ऊपर उनका तो कंचन का ये बन जाता जो साढ़े चार लाख एकदम बन जाता है प्रजा पिता का भले ही कंचन का या बनता है वो कोई चुटकी लगा के थोड़ी बन जाता है दो अठारह में होगा ही कंचन कार्य होगा ही उस समय के बात कर रहे हैं अठारह में दो बच जाते हैं दो बच जाते हैं जो जो बच जाते हैं उनसे खत्म कौन हो जाते हैं नहीं साढ़े चार लाख जो कंचन कार्य नहीं बनेंगे ना उनसे जैसे आप बात कर रहे हैं हम शिव बाबा बात कर रहे हैं हम सबसे वैसा बात की खेलना और सब कुछ चलता रहता है या बंद हो जाता है तो तपस्या तपस्या भूमि में तपस्या होती रहेगी जब तक सारी शक्ति का विनाश नहीं हुआ और जो पैदाइश है वो अपनी जगह पैदाइश होती रहेगी नई दुनिया के बच्चों पैदाइश के लिए निमित्त बनती है माता वहाँ कोई स्थूल कनेक्शन तो होता नहीं इंद्रियों का स्थूल कनेक्शन होता होगा जो साथ में रहने की जरूरत हो पैदाइश कैसे होगी वहाँ दृष्टि होगी संगम युग में संकल्प संगम में लक्ष्मी नारायण दृष्टि देते हैं दूसरे से पैदाइश होती है वो दुनिया जहाँ पैदाइश होगी वो धरणी अलग और जहाँ तपस्या होगी वो धरणी अलग तो जहाँ तपस्या होगी वहाँ जो आत्माएं तपस्या करने वाली है वो पतित आत्मा नहीं होंगी क्या जब बी के सोर्स में आकर बीजों में प्रवेश करेंगे तब बीजों को उन प्रवेशता के बारे में पता लगेगा क्या
तो इसका प्रवेश बीती सोई प्रवेश करती है तो पता नहीं लगता बीते वाली सोन प्रवेश करती है तो पता नहीं लगता जिससे प्रवेश करते हैं उन पर पता लगता है दो दो बातें करने लग पाती हैं कभी कभी तो दूसरों का पता है दूसरों को पता है अपने को भी पता चलता है धर्मराज दुर्गा काली ये सब पांच असुरों के सजा देने लगे हैं इनमें का अंतर क्या है अभी सभी सजा देने वालों का पार्ट है धर्मराज दुर्गा और काली अंतर क्या है नंबर वन इनकी मान्यता में भी अंतर है सतयुग में बाप बेटा जो बनते हैं राजा द्वापर में भी वही राजा बाप बेटा बनते हैं ये सिर्फ राजाओं के लिए है प्रजाओं को भी लागू होता है सभी वैसे ही होते हैं तो इधर जो बाप बेटे बेटा है उधर भी बाप बेटा बनते हैं नहीं होता है राजा विक्रमादित्य का कोई गुरु नहीं होगा होगा उसका बाप भी होगा तो हम दो दो जन्म उसी बाप से पैदा होते हैं कम से कम दो जन्म इसमें सृष्टि चक्र में ज्यादा भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम दो दो जन्म वास्तव में धर्मराज का बीज कौन जो सजा देने वाली आत्मा है सजा देगी तो सच्चा बनाएगी झूठा बनाएगी तुम होते हैं सहज बीज से तो मानते नहीं है प्यार से मानते नहीं है कहने से मानते नहीं है अगर उनकी धुनाई पिटाई हो जाए तो डंडे से भूत भागते हैं तो सूर्यवंश और चंद्रवंश सूर्यवंश का भी कोई देव होगा चंद्रवंश का भी कोई देव होगा होगा या नहीं होगा अष्टदेवों में कोई सूर्यवंश और कोई चंद्रवंश क्योंकि आखिरी जन्म में तो सब वृत्ति हो जाते हैं तो दूसरे नंबर का भांका होगा वो भी नीचे तो गिरेगा लेकिन चंद्रवंश से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा क्या काम तो स्वभाव का होगा सूर्य की तो बात ही छोड़ दो लेकिन जो दूसरे नंबर का मौका होगा अष्टदेवों में वो भी शीत स्वभाव का होगा चंद्रमा जी का बीज है ना चंद्रमा जी का तो वो तो सजा देने वाला नहीं बन सकता उसका भाव स्वभाव संस्कार ऐसा नहीं होगा कि दूसरों को सजा देंगे फिर कौन सा होगा जो सजा देने के सबको सजा देने के निमित्त बन जाए धर्म का राजा शिव बाबा जो है शिव बाप वो तो एक ही मुखर रखे में प्रवेश करते हैं लेकिन मम्मा बाबा तुम बच्चों में प्रवेश करते हैं कृष्ण की चोल और मम्मा की चोल जो है तुम बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो नहीं साकार में तो नहीं है तो किसके द्वारा पाठ बजाई भूल कौन होगा कोई पावरफुल धर्म की आत्मा होगी या कमजोर धर्म की आत्मा होगी तो अब सूर्यवंश चंद्रवंश उनके जो निमित्त मन के हैं वो तो है नहीं बाकी कौन है बाकी दूसरे धर्म का जिनके ऊपर छलका चढ़ा हुआ हो लेकिन पावरफुल धर्म हो
पावन धर्म है हर रोज हमको बता रहे हैं, हमको मालूम पड़ा है गीता का भगवान शिव है, मगर ये बात ब्रह्मा भी सुन रहा है तो अभी तक ब्रह्मा को क्यों नहीं मालूम पड़ा है निश्चित क्यों भगवान क्यों है। 63 जन्म जो हुए हैं उन 63 जन्मों में जैसे की आत्मा इस शक्ति पर होती है या नहीं? होती है। और वो क्या सुनती चली आई 63 जन्म तक? गीता का भगवान कृष्ण। आप तो कृष्ण की आत्मा नहीं है, हम और आप तो कृष्ण की आत्मा नहीं है, लेकिन जो कृष्ण की आत्मा है वो सुनती चली आई क्या? गीता का भगवान कृष्ण। तो जल्दी किसकी बुद्धि में बैठेगा? सभी सुनते आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, जिनके आदि में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, और जो बाप है राम बाप है सूर्यवंशी देव बच्चे उनको साक्षात्कार नहीं हुए। तो बुद्धि में किसके बैठा साक्षात्कार का ज्यादा रहस्य? ब्रह्मा। क्यों बैठा? फिर उसने कोई साक्षात्कार दिया प्रैक्टिकल में अनुभव किया? ऐसे यहाँ भी 63 जन्म वो कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि में ठस ठस के बैठ जाता है कि मैं गीता का भगवान। और यहाँ संगम युग में आने पर भी 47 से सारा संगठन इकट्ठा हो जाता है उनकी व्यवहारी में, और मुरली चलती है उनके द्वारा, तो भगवान कौन हुआ? किसको समझे वो भगवान? स्वयं को। कब वो मानता है शिव का भगवान, शिव गीता का भगवान ब्रह्मा कब मानता? जब से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं कृष्ण की सोन हूँ और नई दुनिया स्थापन होने वाली है, राम राज्य आने वाला है, कब मानते हैं? तो परिवर्तन कब? मेरे में शिव बाबा आता है, तो अंत में वो जान जाएगा। अंत में जान जाएगा, जब वो जान जाएगा तो सारी दुनिया जान जाएगी। अभी सबको निश्चय आ रहा है, अभी निश्चय आता है, अभी अनिश्चय आता है, पक्का तो कोई भी नहीं समझ सकता है। परिवर्तन के लिए निमित्त कौन है? एक ही आत्मा में निमित्त है राम वाली कृष्ण, उसमें तो शिव बाबा है ही, उसकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अकेला जना भाग नहीं पहुँच सकता। निवृत्ति मार्ग वाले कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो राम वाली सोल भी जब तक प्रवृत्ति मार्ग का पक्का न बने तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता। उसके लिए चाहिए परिवर्तन शक्ति, विजयमाला। वो परिवर्तन शक्ति ही आकर के रुद्रमाला का जो वो मणका है जिसके आधार पर सारा काम रुका हुआ है उसका भी परिवर्तन कर देती है। किसका? रुद्रमाला का। कृष्ण वाली सोल जो है वो तो शरीर ही नहीं है उसको, जिसमें वो प्रवेश करके पार्ट बजाती है एकदम ना। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। तो आज जो कौरव गवर्नमेंट के बड़े बड़े नेताएं हैं और दिल्ली को चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो स्कूल रूप से चमकाने में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनती है फिर परिस्तान बनेगी। से चमकाने वाली बात नहीं है तो आत्मा को संगारने की बात है। चंद्रवंश के जो 12 मणके हैं उन 12 मणकों में मुखिया कौन? जगदम्बा। तो जगदम्बा को चमकाएगा कौन? अभी तो मानी बोला है अष्टदेवों के बात की है, इन बच्चों ने इन दीदी दादियों का संहार किया है, आज में भी तुमने गुण रत्नों से इनका संहार किया था, तो जो आज में किया बोली अंत में भी उनका संहार करते हैं। तो जगदम्बा का श्रृंगार करने वाला कोई प्रैक्टिकल में होगा? कौन होगा?
बाप होगा कौन होगा ऐसे अच्छा देवो कौन होगा जो सेकंड नंबर का चल रहा थी बीज रूप मणका होगा वो उसका भी परिवर्तन कर देगा क्योंकि प्रकृति जो है वो प्रकृति का परिवर्तन वाचा से नहीं होता है जोर जबरदस्ती करने से प्रकृति का परिवर्तन नहीं होगा इसलिए केवल से योग क्या के बल से योग के बल से ही प्रकृति का परिवर्तन हो सकता योग बल से तुम पांच तत्वों को परिवर्तन कर देंगे गीता माता जानता है गीता माता जानता है क्या कृष्ण के भगवान गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव शंकर भजन आता है कौन सी गीता झूठी गीता है सच्ची गीता सच्ची गीता बाबा सच्ची गीता से जानती है ज्ञान नहीं मिला हुआ अभी अभी एडवांस नहीं मिली हुई है क्या जानने वाली बात तो तब कही जाए सर कि ये एडवांस ना भी मिले सेवक का और गीता माता युगल से क्या गीता भी तो दो हो गई एक सच्ची गीता एक झूठी गीता एक गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है एक गीता जिसके दिल पर शिवशंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई है देखना है कि यज्ञ के आदि में कौन सी गीता और अंत में भी कौन सी गीता किसके दिल पर कृष्ण की छाप और किसके दिल पर शिवशंकर भोलेनाथ की छाप माया का मन का माला का मन का तुमको किसकी छाप शिवशंकर की छाप जो रुद्रमाला का मणका होगा उसके ऊपर शिवशंकर की छाप होगी क्यों मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते शिव सुप्रीम सोल रुद्रमाला के पहले ऊपर के मणके में प्रवेश करता है ऊपर रक्त रूप में तो उसका सबसे साथ ही साथ रहने वाला कौन है मुख्य जगदम्बा के साथ रहने वाला जगदम्बा का मणका तो जगदम्बा साथ रहने वाला भी मेरे को नहीं पहचान सकता तो गीता को भगवान कैसे पहचान लिया हाँ जी भगवान सेवक राम नाम सिर्फ समझने के लिए दिया है या असली नाम सेवक राम असली नाम था सेवक राम इसका नाम सेवक माना सेवक रामदास ओ दास है राम का मैंने राम का भगत ठीक है सेवक राम सेवा करने वाला राम राम का सेवा करने राम का सेवा करने वाला नहीं होते जाएंगे राम सेवक राम सेवक माने राम का सेवा करने वाला रामदास माने राम का दास बनने वाला लेकिन सेवक पहले है माने टाइटल हो गए वो उसका गुण हो गया राम का हमेशा सेवा करता है ना सेवक राम माने सेवा करने वाला माने सेवा करने वाला कौन राम विश्व की सेवा करने वाला सेवक राम वो टाइटल ब्रह्मा बाबू का नहीं हो सकता उन्होंने ब्रह्मा कुमार कुमार जी उनकी सेवा की है नहीं जो 4.5 लाख है देवता बनने वाली पक्का ब्राह्मण नहीं बनती लेकिन देवता तो बनती है उनकी सेवा की 500 करोड़ की सारी विश्व की सेवा नहीं की कर्मातीत स्टेज और अतीन्द्रिय सुख का विवरण दोनों अलग अलग कर्मातीत और स्टेज का मतलब है कर्मेंद्रियों से अतीत परे का सुख जो सुख कर्मेंद्रियों से नहीं भोगा जाता है कर्मेंद्रियों से परे का है उनके अतीत है आगे बढ़कर के
तो कर्मातीत है वो यतीम भी दोनों युद्ध बाबा जो तुम बच्चे अंत में कामाती तो अब तक वो पाएंगे ऐसे बोया ना मोहल्ले में वो कब से शुरू होता है बाबा सबका अपना अपना अलग अलग है कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो कर्मेंद्रिय से सुख लेना बंद कर देंगे कर्मेंद्रिय से सुख लेना बंद होगा तभी तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे की पैदाइश करेंगे लक्ष्मीनारायण जो चित्र में दिखाए गए हैं वो कर्मेंद्रिय से सुख ले रहे हैं नहीं ज्ञानेंद्रियों से सुख ले रहे हैं नहीं नहीं राधा कृष्ण फिर भी ज्ञानेंद्रियों का सुख ले रहे हैं दृष्टि का सुख ले रहे हैं लेकिन लक्ष्मीनारायण न ज्ञानेंद्रियों का न कर्मेंद्रियों का सुख लेते हैं इसलिए वो आती है सुख के अधिकारी में सतयुग में दृष्टि से पैदाइश होता है इसके उदाहरण यादगार संगम युग में वो मोर का एग्जाम्पल दिया है संगम युग में मोर नहीं एग्जाम दिया है संगम युग में लेकिन मोर तो तेसर जन्मों से भी देखने में आ रहा है अच्छा तो ऐसे ये वाइब्रेशन से फायदा होता है ना इसका उदाहरण पपीता उसका जो मादा वृक्ष होता है वो दो चार मील दूर भी हो और जो नर वृक्ष है वो भले दूर हो वो वहां से अपना पराग खींच लेगा और मादा में फल आ जाएंगे अगर नहीं होगा उस दायरे के अंदर तो नहीं मिलेगा विश्वामित्र ने असौवंश से रचना की वहाँ पर खाने की चीज होती थे उसे खा नहीं सकते क्या इसका मतलब क्या है देह का मतलब मैंने भोग नहीं कर सकते जो आदमी डोले में पड़ा हुआ है अनुभव कैसे करेगा बीच में लटक जाए मैं इस दुनिया का ना उस दुनिया का ऐसे बहुत से हैं देश किनारे में चलते चलते टूट पड़ते हैं हैदराबाद में भी चलते चलते टूट पड़ते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे बाबा कहते हैं मेरी मुख से जितने दो अक्षर भी सुने वो स्वर्ग में जाएगा माया कहती है नहीं हम इसको जाने नहीं देंगे बीच में लटका हुआ सभी आदमी उनको निश्चय नहीं है तो भी वो आएंगे क्या दो अक्षर सुने थे दो अक्षर सुने जिन्होंने तो निश्चय हुआ तभी तो सुने आगे तो अनिश्चय हो गए था अनिश्चय हो गए तो ऊपर जाने चले गए इसी शरीर से संघारिणी बनती है क्या वो सूक्ष्म विनाश करेगी या स्थूल विनाश भी करेगी क्योंकि काली माँ को स्थूल की जब ये गायन है वो संगम युग का है या कलयुग का है जो स्थूल विनाश होगा वो कलयुग में होगा या संगम युग में होगा यहाँ विनाश आखिरी बुद्धि का होना है या प्रैक्टिकल में विनाश हो जाएगा आखिरी बुद्धि का विनाश होगा ज्ञान में से टूट जाएंगे झटका लग जाएगा झटका लगने के बाद फिर बाद में उन्हें पता चलेगा अरे ये तो साक्षात भगवान आया हुआ पद नीचा हो जाएगा अनिश्चय बुद्धि मर गए विनाश हो गया अनिश्चय बुद्धि प्राप्ति हो गई जो ज्यादा देर बाद में रहते हैं उनका स्त्री जन्म ज्यादा होता है ठीक है ना अभी जो है ज्यादा देर बाद में मतलब ये ब्राह्मण से नहीं सारे दुनिया का बात कर रहा हूँ हर सा दुनिया का उनकी बात ही नहीं
नहीं, वो जो वहाँ जो ज्यादा देर बाद में रहते हैं उनकी बात ही नहीं ना, उनकी बात इसलिए नहीं बोला तो ज्ञान ही नहीं लिया, बेसिक लिया ना एडवांस लिया। बाहर की दुनिया में तो देहवाणी होने ही चाहिए, होंगे ही, जो ज्यादा होते हैं उनका क्या ज्ञान की बात है। ज्ञान लेने के बावजूद भी देहवाणी की देहवाणी रहे, देह बार बार देह का होना है, देह की विस्तृति में वो करें उसकी बात। बाबा कहते हैं कि एक टाइम ऐसे आवेगा कि मेरे चिर संगिनी साथी भी मेरे से दूर हो जाती है, ये बात किसको लागू होती है, जगदम्बा माँ या लक्ष्मी? दोनों के लिए, दोनों भुजाएं टूट जाती है, एक भुजा दाई भुजा टूटती है कि बाई भुजा टूटती है, दोनों टूटते हैं, दोनों ही टूट जाती है। लेकिन लक्ष्मी हमेशा साथ, क्या हमेशा साथ, अनुभूतियों के साथ है, बाद में जब जान जाएगी तो वो राम को छोड़ती नहीं, वो नारायण को कभी भी छोड़ती नहीं, बाद में जब जाने अनुभूतियों के साथ रहने की बात है या स्थूल के साथ रहने की बात है, बुद्धियों के जो साथ है वो मेरे साथ है, तो अभी भी होगी। बाबा जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब मुरली में बोलते थे शिव, तो उसका मतलब क्या है, तो बिंदु को याद करना था या वहाँ भी साकार स्वरूप में, अगर साकार स्वरूप के लिए बोला होता है साकार स्वरूप में मैं आया, जिसमें आया हूँ उसे याद करो, तो ये क्यों कहते हैं कि इसका चित्र भी नहीं रखना, वो तो ठीक बात है, अगर इस चित्र को भी याद करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ उस समय बिंदु को ही याद करना था, उस समय की बात है, उस समय बिंदु की ही बात है, उस समय जो भी उस समय से लेकर के संक्षेप तक जितने भी आए एडवांस क्या नाम ज्ञान में जैसे ज्ञान में वो सब भी धर्मी आत्माएं आए। बड़े बाद में सर एडवांस आ गए और जब जो मुख्य है उसके लिए बोल दिया, बाप विदेशी बनकर के आया हुआ, तो बाकी जो होंगे वो सब विदेशी नहीं होंगे, बाप ही विदेशी हो गए तो सारे बच्चे भी विदेशी, सारे बच्चे भी विदेशी हो गए, अष्टदेव भी विदेशी हो गए। सचिव और त्रेता का अंतर कैसे होता है और उनका विवरण जीवन शैली वहाँ कैसे अलग अलग होती है? एडवांस ज्ञान जब निकलता है तो निमित्त कौन बनता है, और बेसिक जब ज्ञान निकलता है तो निमित्त कौन बनता है, कृष्ण वाली आत्मा बेसिक ज्ञान देने के निमित्त बनती है, एडवांस ज्ञान देने के लिए राम वाली आत्मा निमित्त बनती है, तो जब निमित्त बनती है तो कौन सी युग की शूटिंग होती है? त्रेता युग की शूटिंग होती है ना, खाली आत्मा करती है तो त्रेता युग की शूटिंग, चक्र में क्या दिखाया है, सत्य में राधा कृष्ण दिखाए गए और त्रेतन राम सीता दिखाए गए, तो राम सीता वाली आत्मा जब त्रेता युग से एडवांस ज्ञान देने के निमित्त बनती है तो बेसिक वालों के और एडवांस वालों के स्वभाव संस्कार और रीत बीच चाल चलन में अंतर है या नहीं है, बहुत अंतर है, ये फाउंडेशन यहाँ पड़ जाता है। सत्य की रीत रस्म व्यवहार अलग होगी और त्रेता की रीत रस्म व्यवहार अलग होगी। जो ध्यान में चल रहे थे सिर्फ 4.5 लाख आती
वो ही सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो जो वो भी नंबर वार बनते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी तो उसमें दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाले ढेर सारे हैं, उनको चेंज होने में परिवर्तन होने में टाइम लगता है। और बाकी जो रह जाते हैं वो सभी चंद्रवंशी रह जाते हैं, वो भी क्षत्रिय बनते हैं। फेल हो गए। हाँ फेल हो गए, जनरल में प्राप्ति नहीं कर सके वो सभी, और उनको भी क्षत्रिय बताते हैं। तो राम वाली आत्मा कौन बनी थे जब क्षत्रिय बनते? तीन चीज को पहले से ही फिक्स हो गई। आज से भी हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। हम लोग कौन कौन लोग? हम क्योंकि आना जाना नहीं करते हैं, एक पक्का कंफर्म है। और 108 राजाओं की माला है, इसमें से भी अच्छा होगा राजाधिकारी बनना। राजाधिकारी अच्छा, आठ वाले आना जाना आपके घर में करते हो तो हमारे घर में ये आपके अलावा कोई नहीं, ये खाना चाहिए। एक आता हो, दो आता हो, चार आते हो, आने जाने की बात है। पहला मन का आना जाना करता ही सर, अच्छा होगा राजाओं की माला। इससे भी अच्छा होता है राज्याधिकारी बनना, क्योंकि आठ के अलावा बाकी सब भी बाप को विरोधी बनेंगे। तो अगर 16,000 का लक्ष्य रखेंगे तो वे भी 84 जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि द्वापर से कन्वर्ट होते जाएंगे कुछ लोग। तो हमारे लिए बचा हुआ क्या है? ब्रह्मा के 1,000 बुझाए या 4,500 प्रजावर की आत्मा है, क्योंकि इसके लिए लाखों या हजारों का पुरस्कार सीरियस में है। बाप के सहयोगी होंगे वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे या इस्लामवंशी किसके वंशी होंगे? बाप की भुजाएं कौन बनेंगे? इसके लिए हजारों पुरुषार्थी हैं। होते हजारों पुरुषार्थी होंगे, जो श्रेष्ठ जाएगा वो पास पाएगा, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा। ये थोड़ी देखा जाता है हजारों पुरुषार्थी है तो हम कैसे होंगे? हमको क्या बैठा जाता है क्या है इसे? कौन सी माला को लक्ष्मी नारायण बनेगा? नहीं भगवान, कौन सी माला आने का लक्ष्य रखना है? आज का तो सवाल ही नहीं है। एक सवाल विरोधी माला कौन सी माला में आने का लक्ष्य रखना है? क्योंकि 16,000 तो वही होता है, कुछ लोग बचते हैं कुछ लोग नहीं बचते हैं, ऊपर जाने का सवाल आ गया है। क्या करें हम लोग? तो उनमें पहले जो 1,000 वो तो बहुत देते हैं। जो पहले नंबर के 1,000 है वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन वो तो बहुत कम है संख्या, बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ मिलेगा या नहीं है? बहुत लोग हैं, बहुत अगर कम तो 8 ही कम है, तो कोई ना रहे वो 8 में तो भाई नहीं सकते, वो तो बहुत ही कम है, कोई बात ही नहीं हुई। अब 8 की जगह 1,000 संख्या हो गई तो बहुत ही कम है। 10,000 होंगे तो 500 वर्ष की दुनिया में ये तो बहुत ही तो अंत में जब अपना अपना पार्ट सबको खुल जाएगी, माना 9,00,000 बच्चों को पक्का, तब 9,00,000 बच्चों को तब उसका प्रूफ और प्रमाण कैसे हो सकता है? सभी कैसे मान जाएंगे ये उसी का पद है? एक सितारे हैं, सितारों की चमक बताएगी नहीं इसमें ज्यादा चमक, ये ज्यादा चमक मार रहा है ये कम चमक मार रहा है,
ये ज्यादा रोशनी फैला रहा है, ये कम रोशनी फैला रहा है, वो चमक से पता नहीं, आज ही तो उड़ने में आया, आगे चल के तुम बच्चों को पता लग जाएगा, ये जिम आत्मा है, ये ज्यादा फोर्स वाली आत्मा है, ये ज्यादा रोशनी फैलाने वाली है, ये कम रोशनी वाली है। बाबा तो मुरली में हमेशा आती है ना, आते पूछना है तो दो गोपी हमसे पूछो, कौन से दो गोपी हमसे पूछना है, किसी को भी अभी नहीं आया है, समय आ गया क्या? तो कब अंत समय में पूछना है क्या? अंत के लिए तो बोला अतेंद्र अशुभ जो गायन है वो अंत समय का है, अभी का नहीं है। तो अभी अभी तो सब ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर अभी क्यों मुरली में आता है? वो तो शुरुआत ही आता, मुरली में तो सब सैतालीस सही आ रहे हैं, या तीन दिन से पूछना हो तो गोपो भी है तो पूछो, कब पूछना है? अंत में पूछ, अंत में, अंत का है। अब तो गंगा निकली है अंत में, तो वहाँ टाइम भी नहीं रहता, अभी अंत में कहाँ, अभी कहाँ है गंगा है, उत्तर भारत में सेवा हो रही है, जन्म में हो रही है, उधर उधर गर्दन पकड़ी है और उधर वो पीठ पकड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश शेर है, उस शेर का उधर तो गोरखपुर पकड़ा हुआ है, महासेवा हुई है, खुद को परमा को कोई सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं, इधर जम्मू में थोड़ी सेवा हुई, अभी आगरे की आत्मा निकलना शुरू हो गई, आगरा 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 रौला की तरह अंत में सारे जगत में रोशनी फैलाते हैं, चमक मारते हैं, क्या ये अंत का बात है, उसकी समय का बात बिना तो सत्यनारायण बनने बनने वाले चोले के द्वारा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं, सिर्फ एक जन्म का नहीं 84 जन्मों का भी कथा मैं सुनाती हूँ, कब होगी थोड़ी सी जन्मों का पता अब तक खुला है, उदाहरण के लिए शिवाजी पूरा 84 जन्म के अंदर जितना ज्ञान है, पराकाष्ठा है ज्ञान की, उतना उसके लिए खुला है, कम ज्ञान है तो कम खुला है, 84 तक किसी पार्ट खुला है, जितना भी खुला है 84 में जब खुल जाएगा तो उस समय सारा काम खराब खराब। बाबा शास्त्रों में लिखा है कृष्ण जन्म होने के बाद उसको मारने के लिए कई तरह कई टाइम में नक्षत्र तो आते हैं, ऐसा होता है क्या? 1980 हमला हो रहे हैं एक के ऊपर एक, कंप्यूटर ये कहाँ से हो रहे हैं? कृष्ण 18 को पैदा होता है क्या? 2018 में कृष्ण का पहला बता है, 2018 में पैदा होता है उसको की बात है क्या? हाँ भाई नहीं, ये संगम भी कृष्ण की बात है, प्रत्यक्षता रुचि जन्म कब होता है? ऐसा हो जाता है, प्रत्यक्षता हो जाती है, लेकिन तीन दिन कृष्ण की आत्मा जेल से कब छुटकारा पाती है? और डबल जेल है, तुम जेल से भी छुटकारा और जो अज्ञान की जेल है उससे भी छुटकारा,
एक ही तिथि ऐसी आती है जिसे 15 अगस्त दिन पड़ता है, स्वतंत्रता दिवस भी पड़ता है और कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ती है। इस बार भी पड़ा लेकिन एक दिन का भी पड़ गया। जो हमले हुए हैं वो 98 के बाद हुए या उससे पहले हुए? जब जन्म हो तभी तो कंस काटते हैं क्या शुरू? जन्म ही नहीं हुआ तो कंस तो निर्भय बैठा हुआ है। तो बाबा 16,000 मालूम है बच्चे कितने लोग बच्चे हैं? 16,000 नंबर में बताते जा रहे हैं पर कितने लोग होते हैं बोल दो। पूछना है 16,000 में कुछ लोग वृंदावन में चले जाते हैं, धर्म के होंगे? हाँ, वो कितने संख्या होंगे और जो बचते हैं धर्म के होंगे उनको वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिनमें जिनमें दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ हो उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? और जो स्वधर्मी हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? वो तो आप ये 16,000 में डिवाइड कर दो 2,000 आपके अंदर 2,000 ग्रुप में 2,000 एक एक ग्रुप में 2,000 तो 4,000 रह जाएंगे। 4,000 आत्माएं रह जाएंगे। 4,000 रह जाएंगे हाँ, चंद्रलोक से और सूर्य और बाकी सबको वापस जाना चाहिए। तो 1,000 से बात का माला का लक्ष्य रखना है तो 4,000 तो अपनी अपनी असिंद सुख तो ये असिंद सुख हुआ तो 2,500 वर्ष रहेगा ना 2,500 साल रहेगा तो 2,500 साल सुखी ही सुख रहेगा। अतिंद्रिय सुख रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। अतिंद्रिय सुख संगम युग का है, सत्य त्रेता युग का अतिंद्रिय सुख नहीं है। वहाँ आती है वहाँ सुख हो जाए तो फिर वहाँ उतरती कला ही नहीं रहेगी। अतिंद्रिय सुख यहाँ का है तो लगातार चलती कला है। जब से अतिंद्रिय सुख होना शुरू होगा तब से चलती की चलती कला होगी, उतरती होगी नहीं। अतिंद्रिय सुख एक बार शुरू हो जाएगा तो जब तक दूसरे का विनाश नहीं होगा टोटल तब तक अतिंद्रिय सुख कायम रहेगा। लेकिन 16,000 सभी लोग गोप गोपी है, गोप गोपी है लेकिन अभी गुप्त पुरुषार्थ है कि प्रत्यक्ष बसे जाते हैं सभी बच्चे नहीं है ना इन 16,000 में तो अतिंद्र सुख पाते हैं फिर भी वो वापस चले जाते हैं क्या? सभी एक जैसे देते पाएंगे बाबा। वो 16,000 भी बीजू बात में है ना? बीजू बात कैसे? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो अतिंद्र सुख अनुभव नहीं करेंगे। ब्रह्मा की सुख है वो प्रवेश करने वाली है वो अतिंद्र सुख अनुभव नहीं कर सकती, प्रवेश करके अनुभव करेगी ना। मगर वो जब 9,00,000 आबादी है तो 9,00,000 के साथ जुड़े हुए 16,108 भी है। तो जो 16,108 है वो डिवाइड होंगे कि नहीं? होंगे 9,00,000 के साथ होंगे। Thank you.
चलो हो गया।